सबसे ज्यादा वर्सेटाइल फुटवेयर हमारा वो होता है गाइस लोफर्स, चाहे वो कैजुअल इवेंट हो चाहे वो हमारा फॉर्मल, हर ओकेजन हर आउटफिट पे आप उसको वेयर कर सकते हो। बट आपने गाइस देखा होगा कि लोफर्स के आगे कभी ऐसा स्टाइल होता है कभी ऐसा स्टाइल होता है, तो गाइस वो स्टाइल नहीं होता वो टाइप होता है। और क्या आपको पता है मोर देन 7 टाइप्स ऑफ लोफर्स होते हैं जो कि आप वेयर कर सकते हैं ऑन डिफरेंट ओकेजन ऑन डिफरेंट आउटफिट्स। सो आज की वीडियो यही होने वाली है, जो कि लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, पता ही नहीं होता कौन सा लोफर कब पहनना है। सो पूरी वीडियो एंड तक देखना, बताऊंगा कैसे ढंग से लोफर को स्टाइल कर सकते हैं और देख सकते हैं फ्रॉम अंकल आउटफिट टू स्मार्ट आउटफिट। तो पूरी वीडियो देखना गाइस, चलते। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज यश शर्मा फ्रॉम रोड टू इस, एंड गाइस थोड़े रूल्स जान लेते हैं फॉर लोफर्स, क्योंकि इससे अच्छे से स्टाइल कर पाएंगे, अच्छे से वेयर कर पाएंगे और परचेज कर पाएंगे। सो गाइस फर्स्ट रूल आ जाता है, नो योर मटेरियल्स। सो गाइस लोफर्स जो ना हमारे तीन टाइप के मटेरियल से बने होते हैं, कुछ हमारा लेदर, दूसरा स्वेड, देन तीसरा आ जाता है गाइस हमारा सिंथेटिक या क्लोथ मटेरियल। सो गाइस लेदर जो होता है सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, सबसे ज्यादा वेयरेबल लोफर होता है। देन गाइस सेकंड आ जाता है स्वेड, देन गाइस आता है हमारा सिंथेटिक या फिर क्लोथ बोलते हैं, जो कि गाइस आपको रबड़ या थोड़ी लेदर वाली फिनिश देता है, बट होता नहीं है लेदर वगैरह का, बस फिनिश वैसी ही लगती है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, इफ आप ज्यादा क्लीन या ज्यादा केयर नहीं रख सकते तो क्लोथ या सिंथेटिक लेना है आपको, उसमें इतने जरूरी नहीं होती केयर की। देन गाइस आपका आ जाता है लेदर वाला, उसमें आप नॉर्मली क्लीन कर सकते हैं बट केयर थोड़ी जरूरी होती है। सबसे ज्यादा हार्ड टू क्लीन और केयर वाला होता है हमारा स्वेड लोफर, आपको ध्यान रखना है। सो सेकंड रूल आ जाता है हमारा मैच्योर एसेसरी। सो गाइस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लेदर लोफर्स वेयर कर रहे हैं उसमें आप मैचिंग एसेसरीज करें, मतलब आपकी जो वॉच है उसका जो स्ट्रैप है वो मैच का हो, आपने जो बेल्ट वेयर कर रखी है वो मैच की हो, अगर आपने ब्लैक लोफर्स पहन रखे तो ब्लैक हो, ब्राउन पहन रखे है तो सारी एसेसरीज आपकी ब्राउन हो। ये लेदर में आपको गाइस ध्यान रखना है। अगर आप स्वेड वेयर कर रखे तो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, जो दिया सिंथेटिक करे तो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बट गाइस इन लेदर दिस इज कंपल्सरी। सो गाइस थर्ड चीज आ जाती है हमारा फिट। सो गाइस व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल शूज या फिर बूट्स वगैरह होते हैं गाइस, दैट वर्क्स फॉर मी, कि आपको एक साइज छोटा लेना चाहिए, और मेरे साथ भी होता है, ज्यादा अच्छा भी लगता है, ज्यादा अच्छे से फिट आता है, कंफर्टेबल भी ज्यादा होता है। फॉर यू जो वर्क करे वो देखिए, बट गाइज अगर आप परचेज करें ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि अगर आप स्नीकर्स वगैरह लेते हैं उसमें अगर आप 7 ले रहे हैं तो आपके बूट्स या फिर फॉर्मल शूज़ वगैरह में एक साइज छोटा लीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा, शायद ज़्यादा अच्छा फिट आए, ज़्यादा अच्छा लगे वो। सो गाइज अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा सॉक्स। सो गाइज लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, लोगों को लगता है कि लोफर सिर्फ नो शो सॉक्स के साथ पहने होते हैं, बट ऐसा नहीं होता गाइज। आप खुद सोचिए, आप कोई इवेंट में गए, पार्टी वगैरह गए, फॉर्मल पार्टी थी, आप उसमें नो शो सॉक्स पहन के जाएंगे? नहीं। आपको गाइज ध्यान रखना है, ये भी ओकेजन के ऊपर होती है। अगर आप फॉर्मल इवेंट सूट वगैरह थ्री पीस वगैरह पहन के जा रहे हैं, प्रॉपर पॉकेट स्क्वायर वगैरह, फॉर्मल अटायर, फॉर्मल इवेंट है, क्रू सॉक्स ड्रेस सॉक्स वेयर करनी है, चाहे वो लोफर्स हैं। बट वही कैजुअल हम दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, हैंग आउट है हमारा, मूवी देखने जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने ही जा रहे हैं हम लोग वेकेशन पे, तो नो शो सॉक्स वेयर करनी है। सो गाइज अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, वो है गाइज हमारा कलर्स। अगर गाइज आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, गो फॉर ओनली ब्राउन और ब्लैक लेदर लोफर्स, क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा वर्सिलिटी, बहुत ज़्यादा क्लास एड हो जाता है आपका लेदर से, और गाइज ऑन टॉप ऑफ दैट ब्लैक और ब्राउन आपके हर कपड़े हर चीज़ से स्टाइल कर पाएंगे। सो गाइज अगर आपके पास डार्क आउटफिट्स हैं, जैसे ग्रेज हो गए हमारे, ब्लैक्स हो गए हमारे, इनके साथ आपको ब्लैक लोफर्स वेयर करने हैं, बट अगर आपके पास वही लाइट आउटफिट्स हैं तो आपको ब्राउन शूज आपके वेयर करने हैं। सो गाइज अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लोफर्स। तो गाइस बहुत टाइप के लोफर्स होते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बताऊंगा ऐसे टॉप 5 ट्रेंडिंग लोफर्स जो कि आपको वेयर करने चाहिए, आपके पास होने चाहिए और आपको पता होने चाहिए कैसे स्टाइल करना है, फ्रॉम मोस्ट फॉर्मल टू मोस्ट कैजुअल चलेंगे हम 5 लोफर्स में और देखेंगे कौन सा ज्यादा अच्छा है। सो गाइज अब हम आ जाते हैं हमारा सबसे ज्यादा फॉर्मल टाइप ऑफ लोफर पे, ये है गाइज हमारा पेनी लोफर। इसके गाइज आगे छोटा सा होल टाइप का स्टाइल होता है, ये गाइज आप वेयर कर सकते हैं ओनली ऑन फॉर्मल ओकेजन, ये गाइज सबसे ज्यादा शार्प, सबसे ज्यादा क्लासिक, सबसे ज्यादा फॉर्मल वाइब होता है, इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टाइप ऑफ लोफर है ये गाइज। इसको आप वेयर कर सकते हैं अपना फॉर्मल इवेंट्स पे, डेट नाइट्स पे, रात को गाइज डिनर पार्टीज वगैरह पे इसको वेयर कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह जाएंगे जब वेयर कर
कर सकते हैं। एज ग्रुप की बात करेंगे तो गाइस कोई भी एज ग्रुप इसको वेयर कर सकता है, बट गाइस आपको ध्यान रखना है कि लेदर में ही लेना है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग जो इसका स्टाइल जो इसके लुक होती है गाइस हमेशा इसकी फॉर्मल पे ही जाती है। सो गाइस अब हम आ जाते हैं हमारा सेकंड टाइप ऑफ लोफर्स, वो है गाइस हमारा हॉर्स बिट लोफर्स। सो गाइस आपने देखा होगा ना कि जो घोड़े के आगे उसकी डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए होता है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, उसी सेम स्टाइल का स्ट्रैप होता है इस टाइप ऑफ लोफर्स पे, इस वजह से इसका नाम पड़ा हॉर्स बिट लोफर्स। तो गाइस ये फ्रॉम फॉर्मल्स टू आपका बिजनेस कैजुअल्स वेयर कर सकते हैं, फॉर्मल्स के अलावा इसको कभी नहीं वेयर करना, कैजुअल्स वगैरह के लिए नहीं बना है। बात करेंगे एज ग्रुप की, तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा आपको मेच्योर लुक, थोड़ा आपको ओल्ड सी लुक दे देता है। तो गाइज आपको अगर आप 30 प्लस हैं तभी वेयर करना। बात करेंगे इसकी आउटफिट्स की, तो गाइज ट्राउजर्स, चीनोज, जीन्स सब पे चलेगा, बट गाइज ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी ओल्ड या फिर थोड़ी आपको मेच्योर वाइब देगा, तो उसको एज पर ओकेजन ही स्टाइल करना, कैजुअल्स वगैरह पे वेयर नहीं करना। सो गाइस अब हम आ जाते हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ लोफर, ये है गाइस टैसल लोफर। और गाइस ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि गाइस आपने देखा होगा ना वो डेकोरेशन पे हमारी जो वो लगी होती है टैसल, जिन पे गांठ बंधी होती है और ऐसे लटका होता है, तो इस वही सेम टैसल इसके आगे लगा होता है, उसको टैसल बोलते हैं। वो गाइस जब चलते हैं हम तो वो भी बाउंस बैक होता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, जब आप वेयर करेंगे शायद आपको भी अच्छा लगे। तो गाइस सबसे ज़्यादा वर्सेटाइज होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लोफर्स में मेरे को। तो गाइज आप इसको सेमी फॉर्मल से लेके कैजुअल में आप इसको वेयर कर सकते हैं। बात करेंगे गाइज एज ग्रुप की, तो गाइज आपको ध्यान रखना है अगर आप थोड़ा यंगस्टर्स है अच्छे से वेयर कर सकते हैं, ओल्ड है तो गाइज वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको गाइज ध्यान रखना है फॉर्मल ओकेजंस पे नहीं जाएगा। फ्रॉम सेमी फॉर्मल मतलब चीनोज से लेके शॉर्ट्स वगैरह पे आप इसको वेयर कर सकते हैं। बात करेंगे हमारे कब कब इवेंट पे वेयर कर सकते हैं, तो गाइज हमारा पार्टीज होगी, नॉर्मली दोस्त के साथ घूमना जाना हो गया, डेट्स पे वेयर कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि वो फॉर्मल्स पे वेयर नहीं करना। सो गाइज इसके बाद आ जाते हैं हमारा थोड़ा कैजुअल की साइड आना रखते हैं। अब आ जाता है गाइज हमारा स्लिपर्स, या बोलते हैं उनको स्लिपॉन्स। अब गाइज ये सबसे ज़्यादा बेसिक लोफर टाइप होता है, सबसे ज़्यादा क्लासिक होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि इसके आगे कोई स्टाइल ही नहीं होता, एकदम बेसिक जूता होता है, बस लोफर की शेप का होता है। सो इस वजह से आप इसको फ्रॉम फॉर्मल्स टिल आपका कैजुअल्स कभी भी वेयर कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल कर सकते हैं इसके साथ, चाहे चीनोज हो, चाहे शॉर्ट्स हो, चाहे ट्राउजर्स हो, हमेशा वेयर कर सकते हैं। इसका बस सबसे बेसिक फंडामेंटल क्या है, आपको टाइप ऑफ मटेरियल ध्यान रखना है। लेदर होगा तो फॉर्मल्स पे जाएगा, स्वेड होगा तो कैजुअल्स पे जाएगा, बस उसी के हिसाब से चलना है। एज ग्रुप्स की बात करेंगे तो कोई भी एज ग्रुप इनको वेयर कर सकती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्टाइल आपको पता ही चल गया, फ्रॉम पार्टी टिल ऑफिस इवेंट्स आप इनको वेयर कर सकते हैं। अब गाइज लास्ट आ जाता है हमारा, वो है गाइज आपका मुकेन लोफर्स। अब गाइज मुकेन्स ना काफ़ी ज़्यादा कैजुअल में बहुत अपग्रेड कर देते हैं आपका स्टाइल्स, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए आपको लोफर्स में, बहुत ज़्यादा क्लासिक आउटफिट कैजुअल में बनाना है ना आपको, तो मुकेन्स वेयर करना स्टार्ट करिए। इनकी गाइज सबसे अच्छी बात क्या है, ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, साथ साथ स्टाइल भी देते हैं, वर्सेटिलिटी भी ऐड करते हैं आपके आउटफिट में। तो गाइज इनकी एज ग्रुप क्या होती है, अगर आप थोड़ा यंगस्टर्स हैं तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, वैसे आप कोई भी एज ग्रुप के पहन सकते हैं, बट यंगस्टर्स पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा आपके आउटफिट को अपग्रेड करते हैं। बात करेंगे गाइज कलर्स की, ये इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें कलर थोड़े ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, तो आपको ग्रे लेना है आपको गाइज, बर्गंडी ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ब्लैक ब्राउन वगैरह तो बेसिक से होते हैं, बट इनमें थोड़ा हटके कलर लेना ताकि आपके आउटफिट को पॉप करे, अच्छा लगे, समर में स्टाइल कर सके आप इनको अच्छे से। सो ये थे गाइज हमारे 5 मोस्ट ट्रेंडिंग लोफर्स दैट यू शुड ओन, इनको पहनिए, ढंग से स्टाइल करिए, जो मैंने टिप्स बताई उनको ध्यान से देखिए, क्या बेस्ट है आपके लिए उसी के हिसाब से परचेज करना। सो गाइज कैसी लगी वीडियो बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।